इधर कपड़े ही कपड़े की दुकानें हैं, और एक और गली में घुसाऊंगा तो वहाँ पूजन सामग्री की ही दुकानें मिलेगी। भाई 4 नंबर झरिया का, यहाँ ऑटो लगती है। अरे आ गया भाई कतरास मोड़, और ये था भाई पहले रेलवे स्टेशन। बाएं साइड में नई पुरानी दोनों बुक मिल जाएगी आपको। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको मोटो ब्लॉगिंग करके दिखलाऊंगा मैं झरिया मार्केट का कि कैसा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं झरिया मार्केट को धनबाद का, क्योंकि यह बहुत ही पुराना मार्केट है झरिया, और झरिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखलाते हैं झरिया का मार्केट को। तो हम लोग जा रहे हैं झरिया की तरफ में, और ये पहुंचने वाले हम लोग झरिया का कतरास से वीडियो का स्टार्टिंग कर रहे हैं, और आपको दिखलाता हूँ मैं झरिया को। यहाँ ऑटो बहुत चलती है, आपको ऑटो का दिक्कत नहीं होगा। धनबाद के लिए पाठा जी जा सकते हैं। अरे आ गया भाई कतरास मोड़, स्वर्गीय सूरजदेव सिंह का एक प्रतिमा है यहाँ लगा हुआ, और यहाँ से पाठा जी है 10 किलोमीटर। सिंदरी भी जा सकते हैं, जिधर से वो ट्रक जा रही है उधर से इस साइड से सिंदरी भागा पाठा जी जा सकते हैं, और इधर चली जाती है ये झरिया बाजार की तरफ। तो चलिए चलते हैं झरिया बाज़ार की तरफ और देखते हैं झरिया का मार्केट कैसा है, क्योंकि बहुत ही पुराना सिटी है भाई झरिया, और यह कोयला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बहुत ही यहाँ बहुत सारी यहाँ कोयला खदानें थी भी और है भी अभी भी, लेकिन बहुत सारी अंडरग्राउंड जो है कोल माइंस वो बंद भी हो चुकी है। और दाहिने साइड में आपको रिलायबल हीरो और पेट्रोल टंकी मिल जाएगी इधर से। और पहले भाई इधर आगे थोड़ा सा दिखलाऊंगा आपको, बिहार टाकीज हुआ करती थी, और उस टाकीज में बहुत भीड़ रहता था ऐसे सुना हूँ मैं, देखा तो हूँ नहीं मैं, लेकिन अभी बंद हो चुकी है ये, और ये टाकीज जैसा लगता है नहीं। ये रही भाई ये बाया साइड में ये बिहार टाकीज थी, अब तो ये ख़त्म हो चुकी है। चलिए चलते बढ़ते हैं और आगे की तरफ देखते हैं झरिया शहर को। आगे आने वाली है लक्ष्मीनिया मोड़, तो वहाँ देखेंगे हम लोग लक्ष्मीनिया मोड़ को। महावीर साइकिल मिल जाएगी आपको दाहिने साइड में, और इधर आगे जाएंगे तो बुक वगैरह की दुकानें मिल जाएगी, आप खरीद सकते हैं नई और पुरानी बुक, खा सकते हैं आप लोग। मेवाड़ आइसक्रीम है, गुपचुप सेंटर है, शिवम चने का स्पेशल सत्तू। इधर आपको बाया साइड में आपको सब्जी की दुकानें मिल जाएगी, सब्जी मार्केट है बाया साइड में इधर से देख सकते हैं। इधर जाम की स्थिति ऐसा ही लगा रहता है भाई, जाम इधर तो बहुत ज़्यादा ऐसा मार्केट है, देख सकते हैं इधर भी साइड भी और इस साइड भी है मार्केट। देखिए सब्जी की मार्केट है इधर, आपको बहुत सारी इधर सब्जियां फल की दुकानें लगी हुई हैं, आप खरीद सकते हैं इधर आ कर के देखिए। और इधर आपको दिखलाऊंगा और मार्केट सबको कि कैसा है इधर का। देखिए इधर सब्जी मार्केट लगी हुई, पूरा अंदर भी जाते हैं हम लोग। इधर लीची है भाई 60 से 70 रुपये किलो है, रायपुर में तो 160-170 रुपीज़ किलो था। इधर फल की पूरा दुकानें मिलेगी आपको, और दुकानें भी हैं आपको होलसेल रेट में मिलेगी भाई, इधर देख सकते हैं सब दुकानें, और उधर भी है मिल जाएगी उधर। यहाँ कटे फटे पुराने नोट बदले जाते हैं, आगे में यहाँ लिखा हुआ है यहाँ, और ये परसेंटेज में लिया जाता है भाई यहाँ कटे फटे पुराने नोट को, कितना परसेंट है मैं तो नहीं बतला पाऊँगा ऐसा है कुछ। इधर दाहिने साइड में देख सकते हैं पूजन की सामग्री खरीद सकते हैं, इधर भी है पूरा बहुत अंदर में भी मार्केट है, बहुत गली कुची जैसा मार्केट। देखिए अब दिखलाता हूँ मैं आपको, इस साइड में पूरा मार्केट है, देखिए अंदर गली गली में पूरा सघन मार्केट लगा हुआ है इधर। अरे आ गए हम लोग भाई बाटा मोड़ बोला जाता है इसको,
ऐसे। और इधर साइड भी जाते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ, इधर से इधर 4 नंबर, ये बाटा मोड़ बोला जाता था पहले, अब बिहारी लाल चौधरी का खुल गया है शॉप, कपड़ा मार्केट। आ देख सकते कितना जाम की स्थिति भाई इधर, तो ये बहुत ज़्यादा। आपको दुकानें अच्छी अच्छी मिलेगी इधर, कपड़ा वगैरह इधर भी देखिए, गली में भी दुकानें हैं पूरा, बहुत सारी मिल जाएगी आपको। दाहिने बाएं दोनों साइड में दुकान ही दुकान है भाई, कपड़ा की कपड़े की दुकानें इधर है, खरीद सकते हैं इधर कपड़े अधिकतर। श्री गणेश स्टोर है इधर से बाएं साइड से भी, इधर भी जा सकते, इस गली में भी दुकानें हैं कपड़े की, आपको हर चीज़ की दुकानें मिल जाएगी। इस साइड में भी है, बाएं साइड दाहिने साइड दोनों साइड में देख सकते हैं। देशबंधु वस्त्रालय, आपको बर्तन दुकान भी मिल जाएगी, बाल गोपाल भी है इधर, संजय मेडिकल स्टोर, गोकुल मिठाई दुकान भी है मेरा ये दाहिने साइड में देख सकते हैं इधर, आसियाना लॉज भी है, और देशबंधु सिनेमा हॉल है मेरा बाया साइड में, और लगा हुआ है मूवी पृथ्वीराज, दिखलाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ऐसे। और ऑटो से तो मैं परेशान हो चुका हूँ भाई, आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ इससे मैं ऑटो से। और देखिए रोड किनारे भी लगी हुई है दुकानें, ये देख सकते इधर। मैं अंदर घुस कर भी आपको मार्केट दिखलाऊँगा थोड़ा गली में, लेकिन गाड़ी ले जाना वहाँ बहुत ही मूर्खता होगा, क्योंकि बहुत ही छोटी गली है उधर और भीड़ भाड़ भी रहती है, तो लेकिन कोशिश करूँगा मैं दिखलाने का आपको। जगदम्बा फर्नीचर भी मिल जाएगी, देख सकते हैं इधर कैसा भीड़ है भाई, जगदम्बा फर्नीचर। इधर मंदिर भी मिल जाएगी आपको, इधर बालाजी फर्नीचर भी है। तो सीधा चले जाते हैं उधर 4 नंबर की तरफ, आपको ले चलता हूँ, फिर वहाँ से लेंगे हम लोग यू टर्न, और उधर ही आपको झरिया का बस स्टैंड भी मिलेगा 4 नंबर में ही आपको। इधर से आप लोग सीधा भागा जा सकते हैं, पाटा जी जा सकते हैं, सिंदरी जा सकते हैं, देखिए कप सेट भी है लगा हुआ इधर वही 4 नंबर झरिया का, यहाँ ऑटो लगती है, तो यहाँ से आप लोग ऑटो पकड़ सकते हैं। और आगे दिखलाता हूँ थोड़ा सा, और आगे जाने पर यहाँ से 4 नंबर से आपको बस स्टैंड मिल जाएगी, आप दुकानें देख सकते हैं ये। ऐसा है भाई झरिया शहर बहुत ही पुराना शहर है, देखिए यहाँ से बस स्टैंड है ये, रांची धनबाद बोकारो जाती है, यहाँ से डुमरिया जाती है, औरंगाबाद जाती है, ये सब जाती है यहाँ से, तो यहाँ से आप लोग सेवा ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग यू टर्न लेंगे और दिखलाएंगे थोड़ा सा और मार्केट झरिया का, हम लोग जा रहे हैं अभी यू टर्न ले लिए हैं, और झरिया मार्केट को और दिखलाता हूँ मैं थोड़ा सा गली में घुस करके, क्योंकि वहाँ का मार्केट बहुत ही बढ़िया है भाई, झरिया का मार्केट बढ़िया है भाई धनबाद से, मुझे लगता है भाई, आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर से हम लोग बाएं जाएंगे और देखते हैं, बहुत ही जाम की स्थिति रहती भैया, लेकिन जा कर के देखते हैं कि कैसा है मार्केट को। इधर भी आपको देखिए गर्मा गर्म समोसे, सॉरी समोसा नहीं था भाई, आलू चॉप था वो। इधर का भी मार्केट देख सकते हैं गली में कैसा मार्केट है। मोबाइल व एसेसरीज इधर खरीद सकते हैं, MI नर्जो रियलमी का भी है भाई इधर, इस साइड में आप रहते चले गए। और इधर से हम लोग जाएंगे इस साइड में, कपड़े उपड़े की भी दुकानें हैं, बहुत भीड़ रहती है भाई, तो भीड़ रहती है तो मैं आपको दिखलाता हूँ कैसा है, कोशिश करता हूँ जा कर के। देखिए जाम की स्थिति हो गई अभी से, और देखिए इधर मार्केट इधर का, इधर आपको होल सेल रेट में भी सभी सामानें मिल जाएगी इस साइड में, तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है यहाँ का मार्केट को। और इधर का मार्केट देख सकते हैं ऐसा है भाई,
बहुत ही बढ़िया मार्केट है, आपको कपड़े सब भी मिल जाएगी, आपको श्रृंगार मिल जाएगी। भाई भाई शॉप है इधर दाहिने साइड में, तो यहाँ भी आप लोग खरीद सकते हैं। इधर इधर कपड़े ही कपड़े की दुकानें हैं, और एक और गली में घुसाऊंगा तो वहाँ पूजन सामग्री की ही दुकानें मिलेगी, मिठाई की ही दुकानें मिलेगी। तो अच्छा मार्केट है झरिया का, मल्होत्रा शू सेंटर है इधर। बताइएगा आपको ये ब्लॉग मेरा झरिया का कैसा लग रहा है। यहाँ 300 रुपये में जीन्स लिखा हुआ है, इधर से आप लोग चश्मा वगैरह खरीद सकते हैं, इधर जूते चप्पल भी खरीद सकते हैं, सैंडल्स वगैरह। इडली सांभर बड़ा लगा हुआ है भाई, देख करके भूख लग रहा है, खाएंगे थोड़ा देर में हम लोग। ऐसा है देखिए गली, और यहाँ से आप लोग बर्तन वगैरह भी खरीद सकते हैं, देख सकते हैं इधर भी इस टाइप का मार्केट है भाई। इधर थोड़ा सा सघन मार्केट है इधर का, आप लोग इधर बर्तन वगैरह भी खरीद सकते हैं, देख सकते हैं इधर दुकानें। इधर भी लेडीज परिधान है, बच्चे लोग के लिए भी हैं, इधर हम लोग के लिए भाई बाएं साइड में लेडीज। इधर का भी गली इधर भी जा सकते हैं, लेकिन उधर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही जाम की स्थिति लग जाती है भाई। इधर की दुकानें, इधर बैंगल्स वगैरह आप खरीद सकते हैं, देखिए दुकानें इधर का। पूजन सामग्री भी मिल जाएगी थोड़ा बहुत आपको, मिठाई की दुकानें मिल जाएगी आपको। इसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे झरिया मार्केट में, सब्जी मार्केट की तरफ, यहाँ से इस गली से सीधा। इधर आप लोग को दिखलाऊंगा, जिधर पहले रेलवे स्टेशन था उधर को आप लोग को दिखलाऊंगा कि कैसा है। यादें आप लोग का ताज़ा हो जाएगी यदि बहुत पहले देखे होंगे इस एरिया को तब। अब मेरा स्कूल को भी दिखलाऊंगा, मैं बचपन में यहीं पढ़ा करता था भाई। देखिए यहाँ से मेरे बचपन के स्कूल दिखलाऊंगा, मैं यहाँ आता था डेली, नमन करता था लक्ष्मी नारायण मंदिर को, श्री सत्यनारायण मंदिर को, सॉरी, नमन किया करता था डेली। और वो रहा हमारा स्कूल DAV, मेरा बचपन का वो रहा। दिखलाता हूँ नज़दीक से भाई, बहुत दिन बाद आ रहा हूँ इधर मैं। ये देखिए मेरा स्कूल DAV झरिया, ये बचपन का स्कूल है मेरा ये। और ये था भाई पहले रेलवे स्टेशन, लेकिन अब इसका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया है। इधर रेलवे का रिजर्वेशन करवाते थे लोग, देखिए इस साइड में ऐसा हो गया भाई। और इसमें मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो इसमें खेला करता था, इसमें आकर के, देखिए ओवर ब्रिज था ये, और इसके नीचे से गई थी रेलवे का पटरी। तो अब कैसा हो गया देखिए, ये सब देख सकते हैं, ये पटरी भी सब ख़त्म हो गया भाई इधर का, ये देख सकते हैं। यही था रेलवे का पटरी, आपको समझ ही नहीं आ रहा भाई, कहाँ सीधा ऐसे करके जाती थी पाठा जी आसनसोल की तरफ, और उधर से आती थी राम कनाली होकर के यहाँ रेलवे स्टेशन में। कैसा हो गया है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, आप लोग यदि नए हैं तो देखते होंगे तो और समझ में नहीं आएगा। इधर उधर चली जाती है भाई घनवाड़ी, पहचान सकते हैं तो देखिए, ओपन कास्ट चालू हो गई, इधर अंडरग्राउंड ख़त्म हुई। इधर से राम कनाली की तरफ से रेलवे ट्रैक आती थी धनबाद की तरफ से, और इधर जाती थी झरिया, देखिए ओवर ब्रिज दिख रहा है वहाँ से, पैदल पुल का ओवर ब्रिज, वहाँ से जाते थे हम लोग पार होकर के झरिया को।